नमस्कार दोस्तों, आज हम पाइप एवं टंकी के उन क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं जो कि परीक्षा में बहुत बार रिपीटेड हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि ये समयांतराल वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी में दो पाइप ए तथा बी लगे हुए हैं। पाइप ए टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब भरी हुई टंकी को। यदि दोनों पाइप ए और बी में से प्रत्येक को 1 मिनट के समयांतराल के लिए खोला जाता है तब टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो ये दोस्तों अल्टरनेटिव वर्क वाला क्वेश्चन है, मतलब पहले ए को खोला जाएगा, फिर बी को खोला जाएगा, फिर ए को खोला जाएगा, फिर बी को खोला जाएगा, कुछ इस तरीके से ये काम होगा। जैसे कि देखें, यहाँ पर ए खोला जाएगा, है ना, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से फिर ए, फिर बी, मतलब 1 मिनट। पहले मिनट ए अकेला पाइप खुला रहेगा जो कि पानी भरता है, दूसरे मिनट ए बंद रहेगा, बी खोला जाएगा जो कि पानी खाली करता है, फिर ए खोला जाएगा, फिर बी, और यही क्रम चलता रहेगा जब तक कि टंकी पूरी ना भर जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो पाइप ए है जो 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, प्लस मतलब भरना, और जो पाइप बी है वह उसी भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, माइनस मतलब खाली करना। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हमको यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा कि आखिर टंकी की जो क्षमता है या टंकी है कितनी बड़ी, कितने लीटर की, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो लीटर मान सकते हैं। तो इन दोनों के एलसीएम से हम टंकी की धारिता बना लेंगे या टंकी की क्षमता, जो कि 30 और 20 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो कितना होगा, 60 लीटर मान लेते हैं। हम किससे लाए, हम ये इन दोनों के समय के एलसीएम से लाए हुए हैं। क्लियर है? जो कि टाइम एंड वर्क में करते हैं उसी तरीके से यहां पे हमने इसका टोटल वर्क बनाया हुआ है। अब पाइप ए को अगर 60 लीटर पानी भरना है, 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर देता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा, ये 3 लीटर पर मिनट। ये क्या है दोस्तों, ये वर्क कैपेसिटी है, कार्य क्षमता है। ये क्या कहलाएगी दोस्तों, कार्य क्षमता कहलाएगी। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जो कार्य क्षमता है, वर्क कैपेसिटी है, यूनिट पे डिपेंड करती है, तो ये 3 लीटर भर सकता है 1 मिनट में, या 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा। इसी तरीके से सेम बी जो पाइप है, बी पाइप इस भरी हुई पूरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, जो कि कितने लीटर की है, 60 लीटर की। तो यही 1 मिनट में कितना लीटर पानी खाली करता होगा दोस्तों, तो यहां से देखा हमने 2 लीटर पर मिनट, माइनस का मतलब दोस्तों यहां पे खाली करना है। अब अगर ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा होता कि केवल लिखा होता कि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, तो यहां से हमें कुछ नहीं करना था, इन दोनों की कार्य क्षमताओं को ऐड करना था। ऐड करने पे 3 में से 2 घटाएं, क्या बनेगा, 1। इसका मतलब ये 60 मिनट में भर जाएगी। कब, जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तब, है ना, ये के भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? लेकिन इस टाइप के जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा समय अंतराल से, 1 मिनट के समय अंतराल से, मतलब पहले मिनट खोला जाएगा पाइप ए, पाइप ए खोला गया 1 मिनट में, इसने आया अपना काम किया, चालू रहा, 3 लीटर पानी भर दिया। फिर दूसरे मिनट 1 मिनट, मतलब दूसरा मिनट मतलब हम 1 मिनट ही ले रहे हैं, क्लियर है। दूसरे मिनट पाइप बी को खोला और ये क्या किया, 2 लीटर आया तो खाली कर दिया, मतलब 3 लीटर टंकी में पानी तो पहुंचा ही था। पाइप बी चालू किया और इसने 2 लीटर बाहर कर दिया। इसका मतलब अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, टोटल समय कितना ले गया हमारा ये अभी तक, 2 मिनट, और पानी कितना रहा टंकी में, केवल और केवल 1 लीटर। क्लियर है? पानी कितना पहुंचा टंकी में 2 मिनट में, 1 लीटर। इसका मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये तो इनकी शिफ्ट बन गई, चक्र बन गया, हर 2 मिनट में 1 लीटर पानी पहुंच रहा है ओवरऑल टंकी में। कैसे, 3 लीटर भरता है ये और बी दूसरे मिनट आके 2 लीटर खाली कर देता है। समय कितना लग गया, 2 मिनट का, और पानी टंकी में जो पहुंचा वो केवल कितना पहुंचा, 1 लीटर। हमको पानी कितना भरना है भाई टंकी में, ये हमारी धारिता है, ये एलसीएम से बनाए हुए हैं। हमको भरना है दोस्तों कितना, 60 लीटर पानी हमारे लिए टंकी में भरना है। क्लियर है? लेकिन यहां से हमारे लिए करना ये होता है दोस्तों, ट्विस्ट बता रहा हूं मैं इन क्वेश्चनों के कंफ्यूजन की बजाय, और कंफ्यूजन की बजाय के साथ साथ गलत होने का कारण यहां पे देखिए आप जरा ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इससे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इनटू कितना है, 60 है, तो इसका भी 60 गुना करके पहला आंसर लगा के निकल आते हैं, जो कि सरासर सबसे पहले तो यही गलत है, सबसे पहले वो गलत है, वो ऐसे नहीं करते हम। क्यों नहीं करते देखिए जरा, यहां पर हमारे लिए पॉजिटिव वर्क वाले की वर्क कैपेसिटी के बराबर, कार्य क्षमता के बराबर काम को छोड़ के शिफ्ट चलानी होती हैं। जैसे कि यहां पे देखें, जो पाइप ए है वह 3 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में, और अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें
तो काम शुरू किसने किया? ए ने, मतलब पहले पाइप ए आया, फिर भी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से हर एक शिफ्ट में खत्म कौन कर रहा है, मतलब काम बी कर रहा है या बी नल लास्ट में है। तो यहां तक हम 57 लीटर इससे पानी भरवा लेते हैं शिफ्टों में, किससे भाई, शिफ्ट में, चक्रों में। तो एक का कितना गुना है ये 57, तो दो का भी 57 गुणा कर देंगे तो 114 मिनट का समय लग जाएगा। कितना पानी भरने में दोस्तों, ध्यान देना थोड़ा सा, 57 लीटर पानी भरने में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कि 60 का ही गुणा क्यों नहीं किया, 120 आंसर क्यों नहीं आया? तो भाई उससे पहले टंकी भर जाएगी, है ना, और अगर लास्ट में बी खोला जाएगा कभी भी तो टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी ना, भरेगी थोड़ी, वो तो खाली करने वाला काम करता है, ठीक है ना। तो यहां पर ए के द्वारा, ए कितना भरता है 3 लीटर, ए के द्वारा काम, ए के द्वारा या नल ए के द्वारा भरा गया पानी कितने मिनट में भरता है भाई ये? 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, बराबर जोड़ने पे 60 लीटर, और यहाँ पे जो समय है वो कितना आ गया, 115 मिनट। कितना आ गया दोस्तों, 115 मिनट। अब यही देखिए, इसी क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा था आपका, 120, जो कि गलत है, 5 मिनट आप लेट भर पा रहे हैं और भर ही नहीं पाएंगे ना। ध्यान देना थोड़ा दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कन्फ्यूजन आपको केवल यहां हो रहा होगा मेरे हिसाब से। तो 1 लीटर पानी भरा भाई, एक शिफ्ट बनी 2 मिनट की, पानी भरा 1 लीटर, इसमें पहले शुरुआत पाइप ए भरने वाले से हुई, फिर माइनस मतलब पाइप बी खाली करने वाले से। तो ये जो शिफ्टें चली, टोटल कितनी शिफ्टें बनी दोस्तों, 57 शिफ्ट बनी। 57 शिफ्टों में केवल 57 लीटर पानी भरा, और जो 57वीं शिफ्ट थी उसमें भी ए ने शुरू किया होगा, मतलब पाइप ए भरा होगा और पाइप बी खाली किया होगा। यहां पे हमने 57 शिफ्टों के बाद क्या किया भैया, बी नल के हाथ जोड़ लिए। हाथ क्यों जोड़ लिए, क्योंकि इनका तो काम ही है आगे क्या करना, खाली करना। तो हमें खाली नहीं करवाना, टंकी भरना है, टंकी भरना है। तो हमने यहां पे ये जो शिफ्ट है 58वीं शिफ्ट, 58वीं शिफ्ट अगर आप समझ पा रहे हो, उसमें हमने केवल किससे काम कराया दोस्तों, केवल ए से काम कराया, बी से काम नहीं कराया दोस्तों। 58वीं जो शिफ्ट है हमारी, 58वीं शिफ्ट में हमने ए से काम कराया लेकिन बी से नहीं कराया। बी से क्यों नहीं कराया, क्योंकि हमारे लिए पानी भरना है ना, खाली नहीं करवाना है। तो शिफ्टों में तो काम कराया हमने 20 से 57 तक, 58वीं शिफ्ट में नहीं कराएंगे। अब अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा बार बार देखिए इसी कॉन्सेप्ट को, और नहीं तो फिर ऐसा मान लीजिए कि ऐसा होता है। क्योंकि आपको जब एक बात मैं बता दूं, कोई टंकी जो कोई काम है 115 मिनट में हो रहा है, तो वो आप 120 मिनट में क्यों करेंगे, और 120 मिनट में कर रहे हैं अगर आप पूरी शिफ्टों में काम चला रहे हैं, तो आपको पता है लास्ट में कौन आता है भाई, नेगेटिव वर्क करने वाला आता है ना, नेगेटिव वर्क करने वाला आता है। इन क्वेश्चनों को आप रिलेट कर सकते हो, एक खंबे पे बंदर चढ़ता है फिसलने वाले से, है ना, पहले मिनट वाले 3 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट वह 2 मीटर फिसल जाता है, फाइनली भाई 2 मिनट लग गया और 1 मीटर ही वह चढ़ पाया, क्लियर है। अब अगर यह है लास्ट में फिसल रहा है, तो आप अगर फिसलाते रहोगे तो वो कभी चढ़ ही नहीं पाएगा। तो यहां पे क्या होता है, शिफ्टों में काम कराया जाता है उसके बाद में पॉजिटिव वर्क को छोड़ के। तो यहां पर हमेशा याद रखना, जितना भी किसी भी नल की कैपेसिटी या वर्क कैपेसिटी पॉजिटिव वर्क है, उतना आपके लिए क्या करना है, समय छोड़ के ही शिफ्टों में काम कराया जाता है। और आप टेंशन ना ले, अभी हम और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका जो डाउट थोड़ी बहुत बचा होगा वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी सेम इसी पैटर्न का है। नल ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तथा नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी नल में से प्रत्येक को 1 मिनट के समयांतराल के लिए खोला जाता है, तब टंकी कितने समय में भर जाएगी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा जल्दी से, ए कितने मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है, और बी उसी भरी हुई टंकी को अगले 15 मिनट में या केवल 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है ना। दोनों के एलसीएम से हम टंकी की क्षमता बनाएंगे, जो कि कितनी बनी दोस्तों, 30 लीटर इनके एलसीएम से बनाई हुई है। इसकी वर्क कैपेसिटी जो ए की है 3 लीटर भरने की है 1 मिनट में, और बी की जो वर्क कैपेसिटी है, कार्य क्षमता है, वो 2 लीटर खाली करने की है 1 मिनट में। तो यहां पर अगर हम दोस्तों ध्यान से देखें कि क्या हुआ है, पहले मिनट में ए आया, कौन आया, या ए नल चालू किया तो कितना पानी भर गया दोस्तों, 3 लीटर। फिर अगले मिनट में, मतलब दूसरे मिनट में, तब ए बंद रहा, केवल बी चालू रहा, तब क्या हुआ कि बी चालू किया और 2 लीटर पानी भर गया, सॉरी 2 लीटर पानी खाली कर गया, कौन, बी। अब इनको आप जोड़ेंगे तो समय का जो चक्र बना या समय की जो शिफ्ट बनी हो गई 2 मिनट की, और 2 मिनट में फाइनली जो टंकी में पानी पहुंचा हुआ, इनको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड ही करेंगे, तो 3 में से
तीन में माइनस दो ऐड करोगे आएगा 1 लीटर ही आएगा, कैसा प्लस का। आपने देखा कि 2 मिनट की शिफ्ट में केवल 1 लीटर पानी पहुंचा, इस तरीके से आपने देखा कि समयांतराल में इनको खोला जा रहा है। हमको टोटल पानी भरवाना है कितना दोस्तों, 30 लीटर। 30 लीटर, 30 लीटर, इसका मतलब 1 लीटर एक शिफ्ट में पहुंच रहा है, एक शिफ्ट है 2 मिनट की, तो 30 लीटर के लिए 30 क्या लगेंगी, शिफ्टें लगेंगी, और 30 दूनी 60। इस तरीके से आप आंसर क्या कर देंगे, हमेशा ए, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव वर्क कभी लास्ट में नहीं होता। नेगेटिव मतलब खाली करने वाला या काम को बिगाड़ने वाला या मिटाने वाला, हमेशा शिफ्टें चलाई जाती हैं इतना वर्क छोड़ के, पॉजिटिव वर्क के बराबर कैपेसिटी छोड़ के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 27 तक हम के इसके लिए शिफ्टों में करा सकते हैं काम, तो कितना गुना हुआ 27, तो 2 का 27 गुना कितना लग गया भाई, 54 मिनट का समय तो लग गया, 27 लीटर पानी पहुंच गया। शिफ्टें कितनी बनी, 27 दूनी 54 मिनट लगा और 27 लीटर पानी पहुंच गया। इस 27वीं शिफ्ट में बी लास्ट में रहा होगा, सॉरी बी लास्ट में रहा होगा, मतलब बी खाली ही किया होगा 27वीं शिफ्ट में लास्ट में। अब लेकिन हमने बी को पकड़ लिया और बी को नहीं आने दिया या बी को चालू नहीं कराना, केवल कौन सा नल खोलना है, ए, और ए नल जो 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है दोस्तों, 3 लीटर पानी भर देता है। इसको आपने ऐड कर दिया तो कितना बन गया, ये बन गया आपका 30 लीटर, और ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो समय कितना लग गया दोस्तों, 55 मिनट। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसी सेम क्वेश्चन का सी, जो कि आप कभी भी इस तरीके से आंसर ना करें, ये सरासर गलत होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप शिफ्टों में काम कराते रहोगे मेरे भाई, तो टंकी भरेगी ही नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क है लास्ट में। नेगेटिव वर्क से क्या होगी, लास्ट में जो जाएगा वो खाली करने वाला पर्सन है ना, खाली करने वाला नल है, तो वो तो खाली कर देगा टंकी के लिए। क्लियर है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसा वीडियो लगा, और वीडियो को लाइक करें। दूसरा, आपके लिए अभी प्रेजेंट में स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि आपके लिए होमवर्क के लिए सेम क्वेश्चन मैंने दे रखा है, तो आप उस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें दोस्तों, और अभी के अभी चेक करें कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, कितना नहीं। क्लियर है, थैंक यू।